खबर अयोध्या से, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का रास्ता साफ है। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। जल्द ही प्रस्तावित योजना के मुताबिक शुरू हो जाएगा काम। माझा बरहेटा गयापुर द्वारा में लगाया जाएगा भव्य प्रतिमा का काम। फिलहाल आपको बता दें, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। भव्य प्रतिमा लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है और अब जल्द ही भव्य प्रतिमा लगेगी। माझा बरेली गंगापुर द्वावा में ये लगेगी। फिलहाल आपको बता दें, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए बजट आवंटित कर दिया है। अब जल्द ही भगवान राम की एक ऊंची मूर्ति यहाँ पर लगेगी, एक बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगेगी। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। जगह को चिन्हित कर दिया गया है। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह चिन्हित की गई। जल्द ही प्रस्तावित योजना के मुताबिक शुरू होगा काम। तो सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो भव्य प्रतिमा लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी भी दिखा दी है। अब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उस जगह को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर भगवान राम की भव्य और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगेगी, क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए, बिल्कुल, जो दुनिया भर की सबसे ऊंची प्रतिमा है उसके स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि सबसे पहले जो मीरापुर द्वाबा में मूर्ति को लगना था, वहां पर कई सारे मकान थे और वहां के स्थानीय लोग उचित मुआवजे को लेकर के एक बड़ा विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर के शासन और प्रशासन एक बार भले ही पीछे हट रहा था, लेकिन जब दूसरी जगह देखी गई और चिन्हित किया गया तो वह जगह भी पास हो गई। और क्योंकि पहले जो जगह थी वहां पर कुछ भूकंप रोधी विशेषज्ञों द्वारा जो है उसे रोक दिया गया था, क्योंकि सरयू का बहाव ज्यादा था और किसी भी तरीके का कोई कंपन ना हो इसको लेकर के भी, बड़ी मूर्ति से कोई खतरा ना उत्पन्न हो इसको लेकर के कहीं ना कहीं से रुकावट हो रही थी। लेकिन अब जो इस माझा बरहेटा में जिस जगह को चिन्हित किया गया है, वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से जो है उसको चिन्हीकरण कर चुका है। वहां के लोगों को नोटिस भी भेज चुका है कि अगर कोई आपत्ति है तो जरूर बताएं। हालांकि वह भी समय पूरा होता नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहा जाना एकदम तय है कि अब जो भगवान श्री राम की सबसे विशाल मूर्ति लगनी है वह एकदम निर्धारित हो चुकी है और उसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। संत समाज कितना खुश है, क्योंकि एक तरफ मंदिर निर्माण होना और दूसरी तरफ भव्य मूर्ति का लगना, कितना संत समाज खुश है इस मामले से? देखिए, अगर विश्व पटल पर अयोध्या को पहुंचाने की बात जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और केंद्र और राज्य दोनों में जब भाजपा की सरकार आई थी तो वाकई अयोध्या वासियों में एक बड़ी मुस्कान देखने को मिली थी, चाहे वो संत समाज हो या आवाम नागरिक, ये सभी जो है खुश हैं। क्योंकि अयोध्या जिस तरीके से, एक तो राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो वह भी बनने जा रहा है और भी तमाम सारी चीजों के साथ साथ जो दुनिया भर की सबसे ऊंची विशालकाय भगवान श्री राम की प्रतिमा बननी है, तो निश्चित तौर पर जहाँ अयोध्या तरफ विकास के रास्ते की तरफ बढ़ रही है वहीं यहाँ के संत समाज और यहाँ की आम नागरिक भी बेहद ही खुश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जल्द ही प्रस्तावित योजना के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, माझा बरेली गंगापुर द्वाबा के अंदर ये भव्य प्रतिमा का काम शुरू होगा और ये लगाई जाएगी। फिलहाल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।